जय जोहार। आदरणीय हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार बदनावर और धार की इस भूमि पर आए, जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करो। मंच पर विराजित युवाओं के नेता, हमारे प्रेरणा के स्रोत, और पिछले 10 साल से लगातार नरेंद्र मोदी की न ईडी से डरे, न सीबीआई से डरे, न कोई एजेंसी से डरे, केवल देश की आत्मा के लिए, देश की सच्ची और अच्छी भावना के लिए लगातार लड़ने वाले हमारे राहुल जी हमारे बीच में है। यात्रा लेके आए हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मंच पर विराजित सभी हमारे सम्मानित नेतागण, मैं सबसे क्षमा मांगता हूं, और आप सब यहां उपस्थित सभी परिवार के साथीगण, साथियों, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नेता जिन्होंने पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पिछले 200 साल के इतिहास में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिन्होंने इस उद्देश्य को लेकर कि जिसमें प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करी कि नहीं करी। तो मैं मानता हूं हम सबका दायित्व है उस आवाज को ताकत देने का। यही आइडियोलॉजी है कांग्रेस की, यही आइडियोलॉजी है सभी धर्मों की, और यही आइडियोलॉजी है भारतवर्ष के संविधान की। हम सब इस ताकत को और ताकत दे, इसमें जहां जिससे जैसा बन पड़े हम सब सहयोग करें। साथियों, आज है युवाओं के लिए एक खास दिन। जैसा अभी उमंग सिंगार जी बता रहे थे, हमारा प्रदेश ऐसा है जिसमें भर्तियों के घोटाले होते हैं, 40 एग्जाम हुई, 40 में ही घोटाले। हमारा प्रदेश ऐसा है जिसमें पूरे प्रदेश में व्यापम का घोटाला हुआ, पटवारी का घोटाला हुआ, अभी पुलिस भर्ती का घोटाला हुआ, नर्सों के एग्जाम समाप्त हो गए। एक तरह से हमारी सरकार ने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि हम युवाओं के भविष्य को निस्तनाबूत कर देंगे। साथियों, लोकतंत्र में जो जीता हो सिकंदर, हमें पता है अभी 2 महीने पहले जो चुनाव हुए हम पीछे रह गए हैं, पर लोकतंत्र का यह भी तकाजा है कि दूसरी पटरी पर रहकर विपक्ष की भूमिका निभाना, और वो कैसे निभाना, जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं, डरो मत और लड़ो। जब लड़ोगे तो लोगों के लिए, लोगों के कामों के लिए, तो अपने आप कांग्रेस पार्टी अपना धर्म निभाएगी। साथियों, आप सबको एहसास होना चाहिए कि इस बार मुख्यमंत्री विधायकों के वोट का है, जनता के वोट का नहीं बना है। इस बार मुख्यमंत्री वो नरेंद्र मोदी जी की चिट्ठी और पर्ची लेके आए थे और ऐसे शिवराज जी को दी कि शिवराज जी पढ़ो, तो इस बार पर्ची का मुख्यमंत्री है। कौन सा मुख्यमंत्री है? तो पर्ची के मुख्यमंत्री से हमें एक ही बात, हर बात बार बार करनी है, और वो एक ही है सिर्फ कि जो वचन पत्र आपने दिया, 2700 रुपए गेहूं के दाम का उन्होंने बोला देना चालू किया क्या? उन्होंने 3100 के धान का बोला था देना चालू किया क्या? 3000 लाडली बहनों को देने का कहा था देना चालू किया क्या? उन्होंने 450 का गैस सिलेंडर आपको मिलने लगा क्या? जब सब में ना है तो फिर यह सरकार चैन से कैसी रह सकती है? मैं राहुल जी आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारे सारे विधायकों ने सदन में एकजुटता से इस बार सरकार के नाक में चने चबा दिए हैं, और हम सबका दायित्व है, सब कार्यकर्ताओं की, नेताओं की और आम जनता की, कि सड़क पे लोकसभा के चुनाव में इन सब बातों को लेकर हम घर घर जाएं कि मोदी जी गारंटी नहीं देते हैं। मोदी का सबसे बड़ा झूठ था 2 करोड़ रोजगार का, दूसरा सबसे बड़ा झूठ था किसानों की एमएसपी का, तीसरा सबसे बड़ा झूठ था काले धन और 15 लाख का। जो बोला मोदी झूठ बोला, कोई गारंटी नहीं दी। यह एहसास हम सब में होना चाहिए। मैं आप सबको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, खूब ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जय भारत, जय हिंद।